ही महात्मा गांधी और शास्त्री जी की जयंती। महात्मा गांधी को विश्व पटल पर अहिंसा के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है एवं शास्त्री जी इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि विदेशों में भी उनके विचार और निडरता की तारीफ की जाती थी। शहर की सैनी शहर के अमोरिचा रोड पर स्थित कांग्रेस कार्यालय कोटवाल भवन पर पूर्व विधायक भगवान साहिद सैनी एवं कांग्रेस जनों के द्वारा भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक सैनी ने बताया कि अहिंसा आंदोलन के दम पर देश को आजादी दिलाने वाले बापू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी को विश्व पटल पर अहिंसा के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। हमें गांधी के सत्य, अहिंसा, शांति एवं समानता जैसे आदर्श मूल्यों व सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। 2 अक्टूबर का दिन बेहद खास है क्योंकि इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है और 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री के प्रभावशाली व्यक्तित्व का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि विदेशों में भी उनके विचारों और निडरता की तारीफ की जाती है। इसके साथ ही इस मौके पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नानक राम लांबा, कृष्णकांत जोशी, सुरेश विजयवर्गीय, अर्जुन लाल सैनी, रामस्वरूप सोकरिया, शरत चंद चौहान, विष्णु सैनी, गोपाल गुलिया, कमल भात्रा, संतोष सैनी, महराज शाह, अभिषेक मोरदिया, राधे चौधरी, राकेश कुमावत, सुमित शर्मा, मनीष सैनी, कालू खान, कैलाश बुल्लोटिया, मुकेश मोदी, हेमराज मीणा, अजय सेठी, शंकर पिगोलिया, अशोक यादव, प्रकाश जागर, कैलाश अटल, कालूराम सांखला, रमेश सैनी, मनोज दीक्षित, कानाराम तुंदवाल, श्रवण बागड़ी कार्यालय प्रभारी।